माफिया दे गुंडे ड्राइवरां तो लै लैंदे ने। पर्ची दा मतलब टैक्स वसूल लिया गया है। बिना पर्ची वाला इन्हां दे अपने लाए गैर कानूनी नाकियां तो अगे नहीं जा सकता। ड्राइवर ते आम लोग परेशान ने अते पुलिस प्रशासन ते इन्हां लोकां नाल मिले होण दे इल्जाम लगा रहे ने। नहीं दे मारे गल पे आन के दसो की हो सकता इलाज का कोई ना कोई इलाज तो करना चाहिए जी। आप क्रैशर से लई जाती है जी, उत्थे क्रैशर वाली थानू पर्चियां दे रहे जी, क्रैशर से लई जाती है गुंडा पर्ची जी। अगे तो यह भी चलो एवं लंघ जाइए अभी 8 रुपये 9 रुपये भराई जाते जी, हूँ इन चक इन्ह ने 16 रुपये 17 रुपये रेट करता जी। वह दसो यदा कोई हल तो होना चाहिए जी, ये सारे औखे हुए पे जी। उतों माल चकते जी पहले उ रेट घट स हूँ उत्थे भी रेट वध हो जो तो फायदा नहीं चकन का जी। उ महंग वाले पैसे वध ले जाते जी, उही हूँ 14 रुपये 15 रुपये रेट वह बोली जाते हैं जी। हूँ पंजाब से हिमाचल का क्या रेट चल रहा है? रेट पंजाब 16 रुपये चल रहा, हिमाचल के 14 रुपये चल रहा, पर उतो फायदा नहीं है हिमाचल जो लैके जी। हाँ जी परची दोनों पास जी, पंजाब हिमाचल जो पंजाब बढ़ा तो उत्तर परची रॉयल्टी कटानी पैनी है जी। एक गड्डी की जिम्मे मान ला पिछली बार 3 गड्डिया भर गया, तिना गड्डिया 25,000 रुपया रॉयल्टी पुलिस वाले जी कड़ा जी नार रले पुलिस वाले भी जी। ठीक है सारे काम पुलिस वाले सामने बैठे होंगे, पुलिस वाले कड़ा आसे पासे होंगे, सारा कुछ इतने होंगे जी। इन्हों क्या होना चाहिए रेट? कि रेट इन्हों पहला जिन्ना जायज रेट होना चाहिए जी, इन्हों जिम्मे पहला रेट से 7 रुपये 8 रुपये रेट से वो होना चाहिए जी। सड़क नुकसान बहुत होगा फसलों का, मक्की का धान का, तो जमीन हड़ गई साड़ी, बहुत नुकसान है साड़ा। क्यों हो गया जी नुकसान? ये मेहनत करके होया जी। अच्छा मेहनत जिदा जगह पट्टी साढ़ा पानी आन करके सतलुज का दरिया ने सू मार बहुत करी। अच्छा पर्चियां बैठे परचियां जानी क्या जिदा भी ये मेहनत करके लिया परची इन्हें कटते पैसे लेंदे माल दे। अच्छा जी ठेकेदार है कोई पता नहीं है। अच्छा दो नंबर का काम चल रहा है, क्या करिए जी हूँ इन्हें पता होना क्या करते इन्हें पता। अच्छा ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਓ ਮਾੜੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। रूपनगर दे कलमा मोड़ चौकी तो महज 50 मीटर की दूरी ते बैठे हे लोग अपना गैर कानूनी धंधा पुलिस की नक हेठ तड़ले नाल चला रहे ने। ना तो कोई अधिकारी ही इन्हां नूं चेक करन आउंदा है अते ना ही एक गुंडा टैक्स वसूली वाले किसी तो डरते ही ने। उधर विरोधी धिरां मामले की गंभीरता नूं देखदिआं सरकार ते इल्जाम अते अपीलां नालों नाल कर रही ने। मैं मुख्यमंत्री साहब तो इहदा जवाब पुछदा कि इन्हां नूं इजाजत किहने दित्ती, और अज मैं अखबारां दे विच पढ़िया सी कि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है माइनिंग दे उत्ते कमेटी बना रही है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ,
क्योंकि जो माइनिंग होंगी सी तो हमेशा ही सारे कांग्रेस ढिंडोरा पुटते सी कि पिछली सरकार जी अवैध तरीके माइनिंग करा रही है और गुंडा पर्ची जी बंद होनी चाहिए आ। अज पौने 3 साल लगभग कांग्रेस सरकार बनिया हो गई है और पहला तो फिर भी कुछ लिहाज हों अत की पई है गुंडा पर्ची वाल ने लगातार झाड़िया के उले लुके होंगे ने जदों कोई एक नंबर से भी ट्रक रेता भर के जाता उन्होंने घेरते हैं दबके मारते हैं 16-16 रुपये की परची कट के और परची कि देंगे ने हथ के नाल लिख के तो वह परची दे देंगे ने सारा प्रशासन सुता पाया है। लगातार असं इस पिछे प्रेस में भी जा रहे हैं डीसी साहब नूं भी इस संबंधी बेनती कर चुके हैं पर ठल पैन का कोई नाँ नहीं लै रहा और मैं भारतीय जनता पार्टी जिले रोपड़ वालों क्योंकि बहुत सारा माइनिंग का काम साडे जिले रोपड़ चलता मैं बेनती करदा कि यह गुंडा पर्ची वालिया नत्थ पाउनी चाहिए है कोई एक सिस्टम कोई कानून बनना चाहिए ये बेकानून बेलगामे लोग जेडे फिर रहे ने तो कुटन मारन तक तैयार हो जाते हैं इस तरह के गुंडे इन्होंने बिठाले हुए हैं और इन्हों नत्थ पाउनी जी बहुत जरूरी है नहीं तो आने वाले समय से माहौल ही बिगड़ सकता है। सो रास्ते तो आवाज़ चकते हो कि जे इस तरह कंटिन्यू रहा प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता हो सकता जे प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो असी धरने लाने मजबूर हो जाएंगे मजबूरी बस इन्हों गुंडा पर्ची वालों ठल पाने लिए असी रोड भी जाम करांगे धरने भी लावांगे और संबंधित मंत्री के घर जाके अगे धरना भी देवांगे। इस करके मैं समझदा कि जेकर मीडिया के राही ये सरकार के कन्न जां अखां ना खुलियां फिर मजबूरी बस सानूं धरनियां दा रूप जिहड़ा उतार करना पवेगा। विरोधी सड़कां ते उतरन दीआं चेतावनियां दे रहे ने गुंडा पर्ची वाले पहलां ही सड़कां ते खड़े ने आम लोग रेते बजरी ते लग रहे टैक्सां कारण महंगा समान खरीदने लिए मजबूर ने गरीब व्यक्ति अपना घर पाउण नूं तरस रिहा है माइनिंग कारण खोखले होए बन्ना तो आए हड़ा ने पहलां तो ही पए पवाए घर ढेरी कर दिते ने अजिहे च लोग जान भी तां कित्थे जान। श्री आनंदपुर साहिब तो बुद्ध सिंह राणा पंजाबी लोक चैनल।